हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा ऐसा ही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो जय श्री राम। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, अब ये सब लोग तैयार हो गए हैं मंदिर जाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अपने यहाँ की तरह नहीं, यहाँ थोड़ा सा हिसाब कठोर है। तो यहाँ पर मंदिर जाने के लिए यहाँ पर ड्रेस कोड भी है कई मंदिरों में, तो उन्हीं में से एक में मंदिर में ये लुंगी और ऊपर शर्ट या टी शर्ट, ज़्यादातर लोग वाइट पहनते हैं, तो ये पहन के जाने का है। तो इन लोगों ने ये ड्रेसें पहन ली हैं अपनी और जाने के लिए हो गए हैं तैयार, क्योंकि आज हम कई मंदिरों में जाएंगे। तो सबसे पहले मंदिर में जाएंगे तो देखिए, आपको यहीं से थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ कि इन लोगों ने कपड़े पहन लिए, और उसके बाद ना हम लोग मोबाइल जमा करके जाएंगे तो आगे की वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दें। देखिए, जब जाते हैं कहीं तो फिर वहाँ के कल्चर को भी अपनाना चाहिए, उसी हिसाब से दर्शन करने चाहिए, यही सोचकर इन लोगों ने भी अपने कपड़े वगैरह बदल लिए हैं और हम लोग पहन रहे हैं साड़ी और जाते हैं फिर मंदिर। उसके बाद वहाँ से आने के बाद देखिए और कहाँ कहाँ जाएंगे, आपको दिखाते हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम दूसरी जगह पहुँच गए हैं, और ये जो मंदिर है जो आप देख रहे होंगे, इस मंदिर के पास ही देखिए ये मीठे पानी का कुआँ है। तो मंदिर में पहले कुएं से ना पानी से अपने आप को थोड़ा सा वो करते हैं और उसके बाद मंदिर आते हैं। तो हम लोग भी जा रहे हैं पहले कुएं पर। तो ये देखिए, समुद्र के अंदर ही एक कुआं बना हुआ है, मीठे पानी का कुआं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम भगवान ने अपने धनुष को इसमें ज़मीन में मार के ना इसमें से मीठे पानी का झरना निकाला था। तो ये जैसे सीता जी को और लोगों को प्यास लगी होगी, और यहाँ पर समुद्र का पानी तो काफ़ी खारा होता है ना, तो इसके लिए रामचंद्र जी ने यहाँ पर जो है तीर मारकर पानी निकाला होगा। तो यहाँ से इस कुएं के अंदर से जब पानी बाहर निकालते हैं तो ये पानी बड़ा मीठा होता है, ये पानी ख़राब नहीं है और ये पानी नमका नहीं है बिल्कुल भी, बहुत अच्छा पानी है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। मैंने भी ये पानी पीकर देखा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को देखिए इस कुएं में ज़रूर दिखाऊँ। कभी कभी कुछ चीज़ों का आश्चर्य होता है ना, तो वो आश्चर्य यहाँ पर भी है कि यहाँ पर ये पानी जो है ये दे रहे हैं, तीन बार पानी पीना पड़ता है और उसके बाद इससे अपने ऊपर छिड़काव सा करके ना, और फिर हाथ धोकर जाकर मंदिर में दर्शन करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम सब ने ले लिया है पानी से, पानी को पी लिया थोड़ा सा चरणामृत के रूप में राम जी के, और उसके पास में अब हम मंदिर पर जाएंगे और मंदिर में दर्शन करेंगे। तो ये देखिए, छोटा सा कुआं बना है, ये भैया जो पानी खींच के सबको पानी पिलाते रहते हैं, और आप लोग चाहें तो दक्षिणा के रूप में जो चाहें दे सकते हैं। वैसे हाँ, नीचे जाएगी दे दी थी, तो ये बस सबको पानी पिलाते रहते हैं, यहाँ पे जो भी आता कुएं में से पानी निकालते रहते हैं और पानी पिलाते रहते हैं। और यही मंदिर बना हुआ है, देखिए जो मंदिर मैं आपको दिखा रही हूँ ये बना हुआ है, तो इसमें दर्शन करेंगे। यहाँ पर ना बाहर तो उसकी मोबाइल को रोकने की कोई वो नहीं थी, तो बाहर मोबाइल चला सकते थे, तो मैंने फिर बाहर के मंदिर के ना आंगन में वीडियो बना ली है। ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ना, इस तरह की मूर्तियाँ बहुत लगी हुई हैं, ये हन्नी और मनु शरारत कर रहे हैं और जाके उसको मूर्ति को टच कर रही हैं, हाथ जोड़े हुए ना, बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। आपको मंदिरों में सबसे ज़्यादा वास्तुकला देखने को मिलेगी, जिसमें आप देख के खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि उस समय जब ये मंदिर देखे कोई 1000 साल पुराना है, कोई 1500 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, तो मंदिरों को देख के इतना आश्चर्य होता है ना। 500 साल वाला तो कोई बता ही नहीं रहा है, ज़्यादातर सब ये कह रहे हैं कि ये काफ़ी पुराने मंदिर है, कई 1000 साल पुराने हैं, तो यहाँ देखकर आश्चर्य होता है। और ये देखिए, ये कुंड भी बना हुआ है यहाँ पर, तो ये भी मीठे पानी का, जिस तरह से हमारे यहाँ बावड़ी वगैरह होती है उस तरह से है। और यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद जब सब लोग बाहर आ जाएंगे तो मैं आप लोगों को और दिखाऊंगी। और यहाँ पर आप मंदिर के अंदर देखेंगे तो वास्तुकला के नमूने देखने को मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा। उसी के बाहर देखिए बहुत से ऐसे मंदिर बने हुए हैं जिनमें दर्शन करते हैं हम लोग, और यहाँ पर कई जो इनकी भाषा में है वो, जैसे पांचमुखी हनुमान जी का मंदिर है, संगम बीच है, यहाँ पर बीच भी बहुत अच्छा है, रामनाथ स्वामी मंदिर है, रामार पदम पदनम मंदिर है जिसमें राम जी की चरण पादुका हैं, हम लोग कहें तो बिल्लूदी तीर्थ है, ये सब ये जगह जो है इनके यही नाम है। तो यहाँ के नाम थोड़े अटपटे हैं तो हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ मंदिर दिखाकर ही दर्शन करा रही हूँ। ये मंदिर जो था आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पर देखिए सुग्रीव का मंदिर है, पाँचमुखी हनुमान जी का है, हनुमान जी का एक गुस्से वाला मंदिर है जिसमें वो बहुत ही गुस्से में खड़े हैं, उनकी प्रतिमा भी काले पत्थर की बनी हुई है।
तो वो यही मंदिर है, वो नटराज मंदिर है, और सब में आप लोगों को वास्तुकला देखने को इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आप लोगों का मन मोहित हो जाएगा। लेकिन हाँ, मंदिर का यही दवा है कि यहाँ पर किसी भी मंदिर में आप मोबाइल नहीं दवा हुआ है, ये होता हमारी गैलरी का रही है, वो सामने निकास की प्रतिमा लगी हुई है। या सैंडल उतारो, इस नहीं उतार दो, नहीं उतार दो, फोटो खींच लो और आप बताओ चाहते कि सेल्फी ले सकते हैं तो इस तरह सामने आराम से, वरना तो ज़्यादातर मंदिरों में सब मना था। ये भगवान का है इस तरह से मुक्ताज के रूप में, जो शंकर भगवान का है और उन्होंने अपने पैर के नीचे दाग रखा है राक्षस को, ये उसका सीन है। पंडित जी को बता देते हैं, लेकिन वो बोलनी भाषा जानते हैं, ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश सब तो आती है, लेकिन जहाँ इंग्लिश में लिखा होता है वहाँ तो इन सबकी भी समझ में आ जाता है, लेकिन जहाँ इन्हीं की भाषा में लिखा हुआ होता है वहाँ हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा यही चक्कर हो जाता है। जो इनका फोटो आया तो बाकी ये है कि ये ओपन मंदिर है, उसी मंदिर के सामने है, थोड़ी थोड़ी दूर पर है, कोई 2 किलोमीटर कोई 5 किलोमीटर इस तरह से मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने दर्शन किए बहुत अच्छी तरह से, और उसके बाद देखिए फिर हम आगे जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहीं से थोड़ी ही दूरी पर दूसरा मंदिर था जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी, जिसमें बहुत गुस्से वाली मूर्ति थी, वो बताते हैं बस वो वहीं पर है, ये जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी मोबाइल ले जाने की इजाज़त थी लेकिन वीडियो बनाने की नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी आप लोगों को दर्शन कराने के लिए वीडियो बना ली। और उसके बाद देखिए हम बाहर आ गए हैं, बाहर आकर देखिए ये इस मंदिर में इस तरह से घूम रहे हैं हम। यहाँ पर ना बहुत अच्छे पार्क और वो बने हुए हैं, हरियाली काफ़ी है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर हरियाली और मिट्टी काफ़ी है। मिट्टी तो आप लोग जानते ही हैं, यहाँ रेतीली है, चिकनी मिट्टी नहीं है, बहुत कम है यहाँ। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से मैंने जो है इसमें मंदिरों के ही सीन डाल दिए हैं, रास्ते के और उसके सीन नहीं डाले हैं आप लोगों के लिए। तो ये देखिए अगला मंदिर में दर्शन करने के बाद, यहाँ देखिए विभीषण का भी मंदिर है जिसमें हम लोगों ने भी दर्शन किए थे, तो विभीषण का भी मंदिर है, लक्ष्मण जी का भी मंदिर है, लक्ष्मण तीर्थम के नाम से है। तो यहाँ इन मंदिरों में आने के बाद देखिए एक मंदिर बहुत अजीब था जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पर राम जी की चरण पादुका है, ये पहाड़ी के ऊपर मंदिर बना हुआ है और यहाँ से पूरा रामेश्वरम चमकता है, इस तरह से देखिए पूरा दिखाई देता है, वो मंदिर दिख रहा है सामने, आप लोग देख रहे होंगे ऊपर से तुम जाओ। यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा था, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे जो इस मोबाइल में नहीं कैद हो पाए हैं, शॉर्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए कलाम हाउस जाते हैं, और कलाम हाउस में आप लोगों को पता होगा इनका अपना मार्ट है, तो वहाँ पर समुद्र से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, शंख है, सीप है, किसी भी तरह की चीज़ें हैं सब यहाँ मिलती हैं। तो हम लोगों ने सोचा था थोड़ी सी खरीदारी करेंगे, तो अब इसके अंदर जाकर हम खरीदारी करेंगे। और देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो का यहीं एंड कर रही हूँ, चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।